हरिओम। चुनाव का समय है, बड़े बड़े नेताओं की जबान फिसलेगी। ये बड़ी जबान भी बड़ी तेज है, बड़ी जल्दी फिसल जाती है और दोष जबान को देते हैं, स्लिप ऑफ ए टंग। ये दोष जबान का है या दिमाग का है? क्योंकि आज कल जो चल रहा है पॉलिटिक्स पर चर्चा, बड़े बड़े मंचों पे लोग बैठ के ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं और बाद में कहते हैं सॉरी कह देते हैं, मिस्टेक कहते हैं, और ये तो मेरी स्लिप ऑफ ए टंग था। ना, जो दिमाग में चल रहा है वो जबान से बयां होता है, जो दिमाग में चल रहा है वो जबान से बयां होता है, और जो जबान से बयान होता है वही सही होता है। एक अनदेखी औलाद अंधी, जबान निकली स्लिप हुई, महाभारत हो गई। जबान बहुत लोगों की फिसली है, दुर्योधन की फिसली, द्रौपदी की फिसली, शास्त्रों में घटनाएं भरी हुई है, और उस एक जबान के फिसलने से क्या हुआ वी ऑल नो। इसलिए जबान जो है संभाल के बोलो। गीताजी में वाणी के तप की बात कही गई, गीता जी में तप जो है वो वाणी का है। कट गीता जी में वाणी के तप की बात करी गई है, और वाणी का तप आसान नहीं है। वाणी के तप में आपको अपनी जबान को सोच के बोलना पड़ता है, और वाणी के तप को उन्होंने मौनम को वाणी का तप नहीं बोला, मौनम को उन्होंने मन का तप बोला। तपो विक्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागी नाम। तो ये जो खबरें आ रही है कि किस फला लीडर की वाणी में उसने कुछ बोल दिया, आई एम नॉट गोइंग थ्रू डिस्कस, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल चैनल हियर, सो मैं किसी भी नेता की पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं लाऊंगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी लाइफ, और हमारी लाइफ में अगर आपने मन को संयम नहीं किया तो वाणी स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, वाणी कुछ बोल देगी, और अगर बिना सोचे समझे वाणी से कुछ उल जलूल निकला तो महाभारत हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कि आपका इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो कि आप वाणी से गलत बोलने की तो बात बहुत दूर है, आपकी आंख भी बिना बुद्धि के इशारे से कहीं और ना जाए। दैट इज द डिसिप्लिन वी आर सीकिंग। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कुछ भी बोल दो, हम सिर्फ खाने पीने में संयम की बात नहीं कर रहे, हम बात नहीं, गीता जी बात सिर्फ ये नहीं कर रहे कि खाने पीने सोने जागने में संयम हो, हमारे यहां तो थॉट का संयम बात है, और वो थॉट का संयम जब आ जाए तो आप बड़े से बड़े संकट से निकल जाते हो। लेकिन जब थॉट का संयम ना हो तो संकट आपके आसपास घूमता रहता है। वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे, लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सो संसारिक खबर अध्यात्मिक नजर में ये जो नेताओं की वाणी स्लिप बोल जाते हैं, उल जुलूल बोल जाते हैं, वो उनके दिमाग के अंदर पड़े हुए विकृत विचार का प्रतिबिंब है। तो अगर आपके दिमाग में विकृत विचार है तो वाणी से वो मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे, और अगर आपके विचारों में शुद्धता है तो वाणी कभी अशुद्ध नहीं बोलेगी। इसका एग्जाम्पल है डेसिडोमोना और ओथेलो की स्टोरी। ओथेलो ने गुस्से में आके, विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो, ओथेलो में गुस्से में आके डेसिडोमोना को बोला, यू आर होर, होर वेश्या से भी गंदा नाम है जो हम नाचने वालों को देते, मैं वो नाम मैं अपने मुख से नहीं निकाल सकता। तो याको आया, तो याको जब आया डेसिडोमोना रो रही थी, तो डेसिडोमोना याको को कहती है, एम आई दैट नेम याको। देखिए इतनी पवित्र है कि अपनी जबान से गंदा शब्द नहीं निकालती,
Am I that name, Iago? Iago ने पूछा, What name, my lady? Am I that name, Iago? और एक सफाई वाली थी, Emilia, उसने बोला, He called her whore. So कहने की बात क्या है? जब आपके दिमाग में शुद्धता हो, तो वाणी कभी अशुभ नहीं